हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे और खूब सारा व्यस्त होंगे। तो ये देखिए, सैटरडे मॉर्निंग हो गई है और कल रात को हम लोग आए थे तो घूम घूम के और ग्रॉसरी शॉपिंग करके। तो आज देखिए ग्रॉसरी हॉल आपको दिखाते हैं और अद्दू महाराज ने नारियल पानी पी लिया है, बड़े खुश हो गए हैं। ये देखिए, ये प्रेसिडेंट वाला बटर इस बार मैंने लिया क्योंकि मैंने देखा ये कैरीफोर में ही मिलता है ज़्यादा, तो ये ज़्यादा बेटर है और प्राइस वाइज भी 500 ग्राम्स मिल जाते हैं। और इसका प्राइस तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये भी अच्छा होता है, लेकिन ये इसका घी मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा। तो दुबई से जो भी ट्राई करना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट वाला घी बनाने के लिए ज़रूर यूज़ करें। तो सुबह हम लोग चाय और ब्रेकफास्ट में, मतलब ब्रेड और ऐसा टोस्ट जैसा ही कुछ था, क्योंकि कैरीफोर जाते हैं तो बहुत सारा फ्रेश जो भी बेकरी आइटम बहुत बढ़िया मिलता है कैरीफोर में, तो वो ब्रेकफास्ट में वही सब हो गया था। और यहाँ पे मैं बटर बना रही हूँ और साइड में बनाऊँगी आज पिज़्ज़ा बच्चों के लिए। ये देखिए बटर कितने अच्छे से मेल्ट होने लगा है। तो प्लान ये है कि दोनों साथ में बनेगा और बाकी जो काम है आपको ग्रॉसरी। यहाँ पर हमारा घी इतना बन गया है, ये देखिए, इसको बस देखना पड़ता है ध्यान से। और यहाँ पर देखिए हम पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए। और यहाँ पर ये मोज़रेला चीज़। और पिज़्ज़ा में ये सब्जियाँ मैं यूज़ करती हूँ, ब्रोकली है, पनीर है और प्याज और शिमला मिर्च मैंने एकदम बारीक बारीक का बारीक बारीक नहीं काटा है, क्यूब्स स्टाइल में काटा है जैसे पिज़्ज़ा पे डालने के लिए। ये देखिए मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मोज़रेला चीज़ मैंने ले लिया है, बाउल में निकाल लिया है और यहाँ पे डाल दिया है मैंने पैन में बटर। तो बटर बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है, इसकी जगह पे कोई और अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, आप बटर ही डालिए, सबसे बेस्ट लगता है और बहुत ऑयली ऑयली सा भी नहीं लगता है, जो हमें चाहिए। और यहाँ पे सब्जियाँ सिर्फ इसमें नमक और काली मिर्च का पाउडर डालना है और कुछ भी नहीं डालना है हमको, सिर्फ ये सब्जियाँ सॉफ्ट करनी है। जैसे रियल में पिज़्ज़ा ओवन में बनता है तो वो डायरेक्ट कच्ची सब्जियाँ ही डालते हैं, लेकिन इसमें हमें सॉफ्ट करनी है यहाँ पे। और ये देखिए हमारा घी भी बन रहा है, प्रोसेस में है, तो साइड में इसको मैं चलाती जा रही हूँ। तो बस सब्जियों को यहाँ पे बस चलाते रहना है, मतलब खोल के थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक लगातार आप ढक देंगे तो बहुत सब्जियाँ मतलब पानी बहुत ज़्यादा ही छोड़ देंगी। और यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ और अच्छे से देखिए मैं स्प्रिंकल करके डाल रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इसको मतलब वो स्पैचुला से चलाना ना पड़े और सब्जियों में अच्छे से काली मिर्च का पाउडर और नमक मिल जाए। और ये देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से मतलब सॉफ्टली मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा इसको दबाना नहीं है कि सब्जियाँ टूट जाए, और एट द सेम टाइम ये सॉफ्ट भी होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारा घी साइड में, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, बन रहा है। और घी थोड़ा पास से देख लीजिए, मैं दिखा रही हूँ ये बनने का प्रोसेस, बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखना पड़ता है। मैं कई बार शेयर भी कर चुकी हूँ, मेरा डिटेल घी का एक रेसिपी भी है, जिस एक वीडियो में ही पूरा मैंने बनाया है। तो रचना फैमिली ब्लॉग्स घी रेसिपी आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए एकदम घी बन चुका है, तो इसको ये जो नीचे का जो पार्ट थोड़ा सा बचता है ना, इसको पूरा रेड नहीं करना होता, थोड़ा थोड़ा बाकी रहे तभी आप गैस बंद कर सकते हैं, क्योंकि बाद में भी ये हीट काफ़ी देर तक रहता है, मतलब आधे घंटे से 1 घंटे तक ये गर्म रहता है, पूरा कढ़ाई गर्म रहता है, खोलता रहता है। तो पूरे टाइम ही इसका होल प्रोसेस ही सिम पे होता है, सिम मीडियम टू सिम, और उसके बाद भी अभी देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया और कितनी तेज़ बॉयल आ रहा है। अभी इस स्टेज पे जो पानी दिख रहा है, एकदम आँच तेज करके इस पानी को आपको जलाना है, थोड़ा सा सब्जी सॉफ्ट भी हो जाएंगी और बस 2 मिनट में ये जल जाता है। ये जो पानी दिख रहा है ना, ये वाला, ये जलाना है। और अभी देखिए ये एकदम पानी इसका सूख गया है, तो इसको अभी मैं इस वाले बाउल में निकालूंगी। तो ये देखिए सब्जियां मेरी ऐसे तैयार हुई हैं, ये वाली, ये मैंने धो दिया है इसको, ये देखिए एकदम साफ होना चाहिए जैसे चिपके ना। तो अभी मैं इसमें बटर डालूंगी, इसको पिज्जा बेस को ऐसे एक तरफ से करेंगे, दूसरी तरफ से। ये बहुत ही फ्रेश था, कैरीफोर में रोज आता है फ्रेश, और मुझे लग रहा है कि वो शाम का टाइम था ना, 3-4 बजे, तो उसी टाइम आता है।
थोड़ा सॉस मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, ये देखिए, मतलब इस पे मैं सॉस ही डालती हूँ, और पिज़्ज़ा सॉस आता है, ये सब आता है, बहुत ज़्यादा उस पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ। आप लोग चाहें तो बहुत तरीके के सॉस आते हैं, पिज़्ज़ा सॉस और जैसा भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। मैं तो सिंपल टोमेटो सॉस ही, केचप ही डालती हूँ, टोमेटो केचप जो आता है। और यहाँ पे सब्जियाँ जो मैंने यहाँ पे सौते करके रखी हैं, थोड़ा सा उसको सॉफ्ट करके वो डाल रही हूँ, और इसके बाद फिर डालूँगी इसके ऊपर ये चीज़, और अच्छे से जितना चाहिए, आपको नहीं चाहिए तो कम भी डाल सकते हैं, और चीज़ तो किसको नहीं पसंद होता है, चीज़ डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा ढक देंगे एकदम ही, मतलब उसके हिसाब से बनता है जैसे रेस्टोरेंट में आप खाते हैं ना, तो मुझे बहुत अंतर नहीं पता चलता, और मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। तो एक बार आप घर में ऐसे पिज़्ज़ा बनाकर ज़रूर खाइए और खिलाइए, तो एक बार आप देख के ज़रूर बताइएगा, वीडियो अगर देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा कि ये पिज़्ज़ा आपको कैसा लगा। ये देखिए, ये देखिए शुरू करते हैं। आपको जो उस दिन मैं शॉपिंग करके लाई थी मैं दिखा देती हूँ, और उससे पहले एक मोमेंट आप रुक के सोचिए कि ऐसे रखने में कितनी मेहनत लगी होगी। तो दोस्तों ऐसे सेट करने में बहुत मेहनत लगती है, और ग्रॉसरी जो लेडी समझ सकती हैं रखना ही मुश्किल काम है। मैं ऐसे रख के आपको वीडियो बनाती हूँ तो उसमें और मेहनत का काम है। तो इसके लिए तो आप लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब शुरू करते हैं, मैं इस तरफ से शुरू करती हूँ। और ये देखिए आटा, सिंपल पिकॉक का व्हीट फ्लोर, और ये मैं 5 तरह का दाल लाई हूँ जो कि मैं मिक्स दाल बनाती हूँ घर पे ही, जैसे एक एक केजी सब मिक्स कर देती हूँ तो 5 केजी मेरा दाल रेडी हो जाता है। और तूर दाल 2 किलो एक्स्ट्रा लिया है नॉर्मल तूर दाल के लिए। और इनका स्टेशनरी ये देखिए, क्रेयॉन्स, ये क्ले, इनका कलरिंग ऑप्शन बहुत सारे, और ये मेरा, ये देखिए मैं बर्तन वाली भी हूँ तो बर्तन धोती हूँ इससे। ये ख़त्म हो गया था, इसमें बहुत सारे आए हुए ऑफ़र में था, ये 10 दिरहम का पूरा सेट है। और ये देखिए ये न्यूट्रेला, ये 2, ये 99 कुछ का पड़ा था उस टाइम, मतलब ऑफ़र में था ये। और ये मुझे नहीं पता था, ये मैं सोची थी 1 लेंगे, ये 2 आया है, अत्यंत का कमाल है ये ना, अद्दू तो अद्दू कह रही है मेरा कमाल है। तो ये तेल 2 आ गया है, अगर इतना बड़ा लेना था मुझे दूसरा मिडिल वाला साइज़ लेना चाहिए था। ये नमक लिया है, नमक हम लोग चेंज करते रहते हैं, कोई भी नमक जैसे टाटा का और यहाँ का ब्रांड अलग है वो भी लेते रहते हैं, जैसे आदिल और लुलू गए, आदिल में स्पेशली टाटा का नमक मिल जाता है, और कहीं यहाँ पे ये वाला टाटा नमक इंडियन ब्रांड नहीं मिलता। तो ये किसान का जैम सिंपल, ये रामदाना, ये मैगी, टोमेटो केचप, ये इमली चटनी बनाने के लिए, ये मैगी मसाला किसी भी चीज़ में यूज़ करने के लिए, और वर्मसेली ये रोस्टेड है, ये बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, ये अच्छी क्वालिटी का मिल गया था कैरीफोर में, वो लिया है। और ये है मूंग दाल, ये खिचड़ी मूंग की बनाने के लिए स्पेशली यूज़ होता है, अद्दू छोटा था तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता था, अभी थोड़ा कम हो गया है। और ये मैंने लिया स्पेशली, ये प्रीत का लाइट रहता है काफ़ी देसी घी, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था उस हिसाब से मैंने लिया है, पहली बार लिया है। तो इसका क्या रहता है कि इससे आप पराठे बना सकते हैं, तो पराठों के लिए मैं मतलब फर्स्ट टाइम लिया है, मैंने ट्राई की कर रही हूँ। और ये चावल का मैंने बताया था, ये मैं ले लेती हूँ 5-5 किलो का जीरा कलर्स और सुरती कोलम, और ये सब चीज़ें तो अच्छा रहता है, मैं हाथ से आपको खोल खोल के दिखाती लेकिन देखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। ये चॉकलेट, ओरियो और ये सब चीज़ें, चना, मूंगफली, ये भी चना, ये 2 ऑयल, और ये इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। और ये देख लीजिए अद्दू का, ये भी पेंसिल बॉक्स, बहुत प्यारा सा टाइगर है। और ये मैंने स्पेशली लिया है, यहाँ पे ना प्लास्टिक बैन होने वाला है, दुबई में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होता था तो इसीलिए बैन होने वाला है। तो चीज़ें मतलब छोटी छोटी इधर उधर रखने के लिए, हम लोग इतना बारबेक्यू जाते हैं, बाहर जाते हैं तो गाड़ी में इतना सारा हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते थे, तो उसके लिए मैंने ये ऑफ़र में लगा था कैरीफोर में, तो मैंने लिया है बॉक्स, जैसे आप
घर में भी यूज़ कर सकते हैं इनका, पेंसिल वेंसिल सब साथ में रख सकते हैं। और देखते हैं मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसका। ये भी 30 दिरहम का या तो 32 का था। ये देखिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, खाने पीने के लिए भी और घर में छोटी छोटी चीज़ें जैसे रख सकते हैं ऐसे। ये 6 लीटर का, 10 लीटर का और 8 लीटर का ऐसे है। और ये बॉटल भी मैंने लिया है, जैसे ये बॉटल होता है ना तो सही रहता है घर से भी, जैसे घर पे आ रहे हो है तो आप भर के निकल सकते हो। कभी कभी क्या होता है गाड़ी में पानी ही नहीं, तो अभी पानी हर समय गाड़ी में रहना ज़रूरी होता है, तो इसको हम भर के हमेशा रखे रहेंगे। मान लो कहीं रुके पानी नहीं मिला, तो कल ऐसा हुआ था हमारे साथ, मैंने कहा ये बॉटल। ये भी शायद 5 दिरहम का पूरा सेट था ये। ये कैरीफोर में काफ़ी अच्छा प्राइस मिला मुझे और ये क्वालिटी भी ठीक है इसका। जो ये ढक्कन है एरियल नॉर्मल तेल, और ये मैं खोल के दिखाती हूँ। अच्छा, और बच्चे बस पिज्जा खा के एकदम पिज्जा बन गए हैं। यार कैसे खुलता है ये? ये तो ये ऐसे खुलता है, ये वाला बड़े काम की चीज है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग हैं बारबेक्यू लवर, तो वहाँ तो आजकल बहुत इतने बड़े बड़े लेके जाते हैं लोग, लेकिन हम अभी छोटा सा प्यारा सा लिए हैं। ये ऑफर में भी लगा था, तो इसमें जैसे हम लोग कुछ मैरिनेट करके ले जाते हैं आजकल समर्स में या कुछ भी, मतलब यहाँ पे तो बहुत टाइम समर रहता है। कीप कोल्ड लिखा है बस इसमें, तो आइस मतलब आइस रख के और उसमें रखेंगे, और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये छोटा वाला मैंने लिया है, ऑफर में बहुत सारे हैं, कैरीफोर में आप जाके ले सकते हैं जिसको चाहिए तो बड़े वाला। और दूसरा आइटम मैंने लिया है ये टेंटर है, ये भी मैंने लिया है अद्दू को आइसक्रीम खाने के लिए। तो ये भी आप 6 कटोरी है कप ना, कितना प्यारा है आप देख लो, पास आ रहा है कितना प्यारा है। ये देखिए ये आइसक्रीम खा सकते हैं, इसमें खीर खा सकते हैं जो। तो ये 10 दिरहम का है, तो ये वहां पे लगा था ऐसे कांच की है, सबका ये सबका है, सबको हो जाएगा और 2 बचेगा। हमारी फैमिली तो 4 फैमिली है और 2 बचेगा ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, या कांच की चीजें भी बहुत अच्छी ऑफर में लगी हुई है। कैरीफोर में ऐसा कभी कभी होता है 1-10 दिरहम वाली चीजें जब लगती है। तो एक बार मैंने लास्ट ईयर के शॉपिंग में आपको दिखाया था एक जार जिसके ऊपर बर्ड बनी थी ना, वो वाली भी वहीं से लिया था उसी टाइम। तो ये सिंपल मेरा चॉपर, ये मैं एक बैग में रखती हूँ कि अचानक से टूट जाता है ना, दूसरा नहीं रहता तो वही दिन एक हफ्ता अगर इंतजार करना पड़े लेने के लिए तो भी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो चॉपर मुझे चाहिए, और ये चॉपर भी 20 दिरहम का वहाँ पे लगा हुआ था। तो ये मैंने, और ये बड़ा स्पेशल आइटम है 5 दिरहम का ही लगा था वहाँ पे। ये सब निकालना बड़ा मुश्किल है भाई, इतनी सारी पैकिंग, मतलब 5 दिरहम का ही आइटम है तो भी मतलब ऑफर में था, बाकी इसका प्राइस कुछ और ही रहा होगा। ये देखिए ये कुछ ऐसे है, ऐसे हाँ yes. क्या लाजवाब लग रहा है ना ये। तो इसको मैंने ले लिया, मैंने कहा कुछ भी कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें आप अपनी मतलब ज्वेलरी भी रख सकते हैं, कुछ खाने पीने का, चॉकलेट कैंडी, स्पेशली कैंडी बॉक्स इस पे लिखा है ना। और ये मैंने 2 लिए ऐसे पैक में था ये, तो ये मैंने मतलब 5-5, 10 दिरहम में 2। तो यहाँ पे प्लास्टिक बैन हो रहा है दुबई में, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे गाड़ी में यहाँ रोज ही निकल रहे हो, कुछ ना कुछ छोटी छोटी टिफिन है ये वो, जैसे आपने देखा बारबेक्यू करने जाते तो हम लोग छोटी छोटी डब्बे में नमक है क्या बोलते हैं उसको, तेल है ये वो, बहुत कुछ लेके जाना पड़ता है वहां पे। तो वो सब चीजें क्या होती है कि आपको एक साथ रहे नहीं तो गाड़ी बहुत गंदी हो जाती है, तो प्लास्टिक नहीं यूज करना है। तो ये सब चीजें मैंने ले ली, देख लीजिए भाई अद्दू को भी, अद्दू का भी सब देख लीजिए, एक भी आप छोड़िए नहीं, ये भी देखिए और ये भी देखिए, ये स्पेशली, और स्कूल बंद होने वाले हैं ये याद रखिए, यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है। तो ये समर वेकेशन की तैयारी हो रही है। यही था मेरा हॉल वीडियो और शॉपिंग का ये वीडियो। और इस टाइम पे कैरीफोर में हर जगह इंडिया लोग जाते हैं, हर मतलब हर कंट्री के लोग, आदू चला गया मेरे अभी वीडियो में नहीं आएगा क्योंकि उसका सामान हो गया खाली हो गया।
तो मैं बता रही थी कि सब लोग मतलब समर वेकेशन की तैयारी में है, तो बहुत सारे ऑफर आते हैं इस टाइम पे चॉकलेट्स पे, और ये जो डेट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ड्राई फ्रूट हमने नहीं लिया। मुझे इस बार मन है कि मैं थोड़ा सा डेरा जाके लूँ, और ड्राई फ्रूट इस बार अभी तो थोड़े हैं, इतने ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट का वहाँ से देखूंगी। और इंडिया जाना होता तो उस तरह की शॉपिंग तो अलग ही होती है, तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या होगा, इंडिया हम लोग जाएंगे कि नहीं इस बार, लेकिन हमारा अचानक से ही होता है कभी भी। मैं इंडिया मैं आपको बता दूं, एक महीने की टिकट में एक महीने पहले अभी जाना ऐसा मैं गई ही नहीं। मैं हमेशा अक्सर गई हूँ जैसे शाम को जाना है और सुबह की टिकट हुई है, सुबह टिकट कन्फर्म हुई है, तो ऐसा होता है। तो देखते हैं कब जाते हैं और क्या होता है। 2 महीने पूरे जुलाई अगस्त यहाँ पे छुट्टी होती है, और डे ये ख़त्म अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे करनी है बहुत सारी कुकिंग, और गेस्ट आने वाले हैं शाम को, तो सैटरडे संडे कुछ ऐसा हो ही जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई आता है, और बच्चों के थोड़े एग्ज़ाम पीरियड भी चल रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, यही जून भर चलेगा, उसके बाद फिर जुलाई अगस्त हॉलीडेज हो जाएंगी, तो थोड़ा सा ऐसा टाइम चल रहा है। तो इस वाले वीकेंड मतलब हम लोगों ने शॉपिंग की फ्राइडे को ही कर लिया कि सैटरडे संडे घर पे रहें और थोड़ा सा फ्री रहे, तो बस आज तो गेस्ट का प्लान है, तो उसमें मैं वही हो जाता है कि मैं कितना वीडियो लेती हूँ, और मतलब प्रॉपर हर चीज़ खुद से करना और फिर वीडियो लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं देखती हूँ कितना शेयर कर पाती हूँ आपसे, और इस वीडियो का अभी यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि वीडियो जाहिर सी बात है बहुत लंबी लंबी हो जाती है। पिज्ज़ा खा के अद्दू मस्त हो गए हैं, मस्त हो गए अद्दू, तो पिज्ज़ा खा के एकदम मस्त रेडी है और गेस्ट का स्वागत करने के लिए रेडी है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, धूम धड़ाका होने वाला है, देखते हैं और कौन से गेस्ट हैं, क्या है अभी मैं नहीं बताऊंगी, और अगर शेयर करूंगी तो आपको बनाएंगे, आपको शाम को बताएंगे, अद्दू भी अभी सीक्रेट रख रहे हैं। तो चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं, ये वाला लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम व्यस्त रहिए।